हेलो गाइस, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रोहित ध्रुव RC 200 पर। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल में सेट कर दीजिए, जिससे मेरी हर वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले दिखाई दे। और आज हम लोग मतलब खाली है और आज संडे है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि हमारे गाँव के पास में एक सीता कामत गाँव है जहाँ पर कुश्ती का प्रोग्राम है, तो हम लोग वहाँ देखने जाने वाले हैं। और हमारे साथ है आज रविदास भैया और ये रामचरण भाई और ये राजा भैया। और अभी हमारे डिटॉल के दो कीड़े आने वाले हैं, अब देखते हैं अभी तक कहाँ पहुँचे, वो लोग पेट्रोल डलवाने गए हैं। ये हमारे डिटॉल के दोनों कीड़े आ चुके हैं, अब हम चलते हैं सीता कामत की ओर। हमारे पास तीन बाइक है आज गाइस, और मतलब आज संडे है, छुट्टी का दिन है, तो हमने सोचा कि आज हम चल लेते हैं। तो चलिए गाइस सीता कामत की ओर चलते हैं। गाइस जो मरकड़ाना वाला पुल है वो अभी टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग चलकर देख लेते हैं, क्योंकि अभी 4-5 दिन से पानी गिरा नहीं है। तो अगर हमारी गाड़ी अगर निकल सकती है तो वहाँ से निकाल लेंगे, नहीं तो फिर हमको रास्ता चेंज करना पड़ेगा। और ये पानी इतना गिरा है हमारे सलैया तरफ, हमारे मतलब खड़ोंगरी ब्लॉक में पुलिया टूट गई है, लेकिन अब जैसे तैसी मतलब पंचायत ने पुलिया बना दी है क्रॉस होने के लिए, नहीं तो देखिएगा इस पानी कैसा लबालब भरा हुआ है, यहाँ से जाना आना मुश्किल हो जाता अगर पुलिया नहीं बनाते तो। और ये हम मरकड़ाना वाली पुलिया पहुँच चुके हैं, और पानी इतना जा रहा है कि शायद गाड़ी क्रॉस करना मुश्किल है। फिर भी हम लोग देख लेते हैं, अगर गाड़ी पार हो जाती है तो कर लेंगे, नहीं तो वापस जाना पड़ेगा। और ये अब हमारे राजा भैया पानी चेक करेंगे, अगर गाड़ी निकल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर हमको दूसरी रोड से जाना पड़ेगा, पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है। हाँ, और ये बता रहे हैं कि मतलब गाड़ी क्रॉस नहीं हो पाएगी, पानी ज़्यादा है, तो गाइस अब हमको मतलब रोड चेंज करनी पड़ेगी, दूसरे रोड से जाना पड़ेगा। गाइस और रविदास भैया बोल रहे हैं कि ये पानी नहाने के लिए तो बहुत अच्छा है, बाकी अभी हम पार नहीं कर पाएंगे। और ये राजा भैया मुंह धुल रहे हैं हमारे। तो चलिए गाइस हम दूसरे रास्ते चलते हैं। बहुत प्यारा व्यू नजर आ रहा है गाइस। साइड से जो नदी आ रही है गोरी घाट साइड से, ये एक नदी है। और हम लोग ये मरकड़ाना गांव में पहुंच गए हैं गाइस, अब जैसे ये मतलब गांव ख़त्म होता है हमको कम से कम 4 से 5 किलोमीटर कच्चा मिलेगा, जो मतलब सीधे सीता कामत में निकलेगा रास्ता। अब देखते हैं रोड की हालत क्या है, बाकी कच्चा तो है, कीचड़ तो नहीं है, देखना पड़ेगा। और ये रोड की हालत काफ़ी ख़राब है, कम से कम हमको 4 से 5 किलोमीटर पूरा ऐसा ही रोड मिलेगा। और राजा भैया को बहुत मज़ा आ रहा होगा चलाने में गाड़ी। बाकी अगर पानी वानी गिरता ना तो हमारी तो बैंडी बच जाती, यहाँ से निकलना ही मुश्किल हो जाता। अच्छा हुआ कि पानी नहीं गिरा है, तो रोड सूखी है, तो कम से कम निकल तो जा रहे हैं यहाँ से, नहीं तो यहाँ से गाड़ी चलाना ही मुश्किल हो जाता। गाइस वैसे तो मेरे को ब्लॉग बनाने के लिए सुबह बहुत जल्दी निकल जाना चाहिए, बाकी ये मेरे साथ कुछ डिटॉल के कीड़े लोग हैं ना, जो वो मतलब मेरा टाइम पूरा वेस्ट कर देते हैं और बहुत लेट निकलते हैं घर से।
अब क्या कर सकते हैं अपन, लेट हो जाता हूँ हमेशा। और गाइस हम लोग ये जैसे तैसे रोड में पहुँच ही चुके हैं, यहाँ से अब पूरा रोड लग जाएगा। ये कार हमारी भोपाली से आ रही होगी। और गाइस हम लोग ये हमारी कुश्ती की लोकेशन में पहुँच ही चुके हैं। अब आपको सामने भीड़ दिखेगी, देख लेना आप। और गाइस ये आप भीड़ देख के अंदाज़ा लगा ही रहे होंगे कि कितनी भारी मात्रा में दर्शक यहाँ पे आए हुए हैं कुश्ती का प्रोग्राम देखने के लिए। और अब हम लोग भी कहीं गाड़ी पार्क कर देते हैं। गाइस देखना पड़ेगा गाड़ी कहाँ लगानी है। और भीड़ ज़्यादा होने के कारण हमने मतलब गाड़ी वापस बाहर ला ली है और बाहर साइड खड़ी करी है। उधर गाड़ी ले जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है। और अब हमने गाड़ी वाड़ी लॉक कर दी है, पार्क कर दी है। अब हम चलते हैं कुश्ती देखने और आपको भी दिखाते हैं गाइस कि हमारे एरिया में कुश्ती कैसी होती है और पब्लिक कैसी रहती है। तो चलिए चलते हैं कुश्ती देखने। और ये हमारे देखो दर्शक कितने ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा तादाद में दर्शक है। हमको तो देखने में भी बहुत मुश्किल होगी, बाकी देखते हैं कहीं ना कहीं से जगह बना के घुस जाएंगे सामने साइड और बना लेंगे वीडियो भी और देख भी लेंगे। और गाइस आपको दर्शक देख के लग ही रहा होगा कि मतलब इतनी भारी संख्या में दर्शक आए हुए हैं कुश्ती देखने के लिए। अभी वैसे तो मैच बंद है, बाकी अभी स्टार्ट होगा तो देखते हैं अपन। और गाइस दो बच्चे मिल चुके हैं, मतलब 15 साल से नीचे वालों का हो रहा है अभी, और दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया है। अब दोनों की कुश्ती स्टार्ट होगी और इनाम रहेगा 5100 रुपये। और गाइस ये कुश्ती स्टार्ट हो चुकी है बच्चे लोगों की। और गाइस यहाँ पे भीड़ इतनी हो चुकी है कि हमको हुमस होने लगी है, बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा है। और इस कुश्ती में एक तरफ है 8वीं क्लास का बच्चा और दूसरी ओर है कम से कम 30 से 32 साल के भैया। अब देखते हैं कौन जीतता है, बाकी इस बच्चे की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी भाई। इतने जुनून से लड़ रहा है जैसे कि मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उसको, ऐसा लग रहा है कि उसके सामने उसकी एज का कोई है। ज़्यादा हो गया है लेकिन किसी ने किसी को चित नहीं करा है। अब देखते हैं कौन बाजी मारता है। और भाई इस बच्चे ने कुश्ती मार दी है, 32 साल के भैया को चित कर दिया है। इससे ये साबित करता है बच्चा कि भाई कुछ करने का दम होना चाहिए, हम कुछ भी कर सकते हैं।
और गाइस हमने मतलब कुश्ती देखा और अभी हम बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हैं, तो अब हम चलते हैं घर की ओर। और अब हम हमारी गाड़ी के पास जा रहे हैं, अब देखते हैं किधर साइड है हमारी गाड़ी। और ये हमारे दोस्त लोग गाड़ियों के पास पहुंच चुके हैं। चल भाई गाड़ी निकाल। और गाइस अब हम निकलते हैं घर की ओर। और गाइस हम फाइनली हमारे गांव पहुंच चुके हैं, बस पास में ही है हमारा घर। और मेरे साथ वाले मतलब एक तो जाजबोरी में रुक गए, एक गाड़ी वाले, और एक ने मतलब अपना रूट ही चेंज कर लिया, मतलब जिधर से हम लोग आए थे रोड साइड से बगडोना सिटी तरफ से उधर साइड से चले गए वो लोग। और हम लोग ने शॉर्टकट के चक्कर में हम लोग इधर साइड से आ रहे गांव के अंदर ही अंदर। और रविदास भैया के पास दुकान की चाबी है और हमको अभी दुकान ही जाना है, अब क्या करें, अब बाहर ही बैठना पड़ेगा। और गाइस हम लोग फाइनली दुकान पहुंच गए हैं और हमसे पहले अभी कोई भी नहीं पहुंचा है, अब हमको यहाँ पे बैठ के वेट करना पड़ेगा। गाइस फाइनली हम लोग शॉप में आ चुके हैं। और कैसी लगी आपको ये वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल में सेट करिए, जिससे मेरी हर वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले दिखाई दे। और ऐसा ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर।